वन भी तगड़ा रहेगा, अच्छा रहेगा, फेज टू भी अच्छा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता का के अंदर छत्तीसगढ़ में जबरदस्त अंडरकरेंट है। देखिए पूरे प्रदेश के लगभग 20 विधानसभा में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और लगातार सुबह से ये संख्या जो आई हुई है वो इस बात को साबित करता है कि छत्तीसगढ़ पे कांग्रेस की सरकार को यहाँ से हटाए और विकास की गंगा बहाए। जिस उद्देश्य के साथ में छत्तीसगढ़ को बनाया गया था उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। कांग्रेस ने लगातार भ्रष्टाचार के एक नए आयाम स्थापित किए हैं। जिन योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने क्रियान्वित किया था, चाहे प्रधानमंत्री आवास की हो, चाहे वो यहाँ पर स्थानीय रोजगार की बात हो या फिर अन्य जो अधोसंरचना के निर्माण की बात हो, इन सब बातों को लेकर के कांग्रेस ने जिस तरीके से धोखा दिया पिछले 5 वर्ष में, उस बात को लेकर के कांग्रेस के प्रति लोगों की बहुत नाराजगी है। मताधिकार है, 5 साल में एक बार त्यौहार आता है, उसको वोट डालना जरूरी है। हिंदुस्तान के आह्वान को और छत्तीसगढ़ के लोगों का सेवा करना है और यहाँ विकास करना है, इसलिए मैं सभी जनता से भी अपील करता हूँ कि वोट डाले। हमारे सरकार 3200 रुपये का दान खरीदी करेगा और 6000 रुपये का तेंदुपत्ता तोड़ेगा, गरीब आदमी का पेट चलेगा, गरीब आदमी शादी करेंगे, बच्चे लोग को पढ़ाएंगे, इसलिए हमारा पढ़ाई में भी हम लोग इस साल LLB और ITA वगैरह सब पढ़ाई के लिए पैसा कांग्रेस पार्टी देगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देगा, राहुल गांधी पार्टी देगा, इसलिए जनता मन बना चुका है दोबारा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जबरदस्त उत्साह है, अक्सर हमारे यहाँ लगभग 84% वोटिंग होती है तो उस क्षेत्र के जनता की जागरूकता की पहचान भी होती है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ अपना काम धाम छोड़कर पहले मतदान करें और अपने एक जागरूक नागरिक होने का परिचय भी दें और जनप्रतिनिधि भी चुने ताकि हम 5 साल क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम कर सकें। के चेहरे बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनना तय है और जो कोंडागांव का मिथक है 2 बार से ज्यादा कोई नहीं जीता वो रिकॉर्ड भी टूटेगा और मुझे जीत मिलेगी ऐसा मुझे लगता है। जनता के जो हाव भाव से मुझे लगता है इस बार फिर से कोंडागांव सीट मोहन मरकाम की झोली में जाएगी। तो तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आपने सुनी।